हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में देखेंगे एलएचबी कोच में अगर 150 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक का आउटलेट पाइप अगर टूट जाता है, एक कंडीशन में लीकेज होगा तो इसको कैसे लीकेज को अरेस्ट करेंगे, फेरुल जॉइंट को खोल के कैसे डमी प्लग लगाया जाएगा देखेंगे। ये देखिए आप लोग का 150 लीटर आ गया है ऑक्सिलरी रिजर्वर का टैंक, तो इसमें पकड़ लीजिए आप लोग का ये आउटलेट पाइप अगर टूट गया है, निकल गया है, यही कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, पहले फेरुल जॉइंट खोलेंगे उसके बाद डमी प्लग लाएंगे। दिखाइए फेरुल जॉइंट, दिखाइए ये है फेरुल जॉइंट, आ जाओ इसको खोलिए, इसको खोलेंगे। हाँ, खोल के इसे फिर गैप करेंगे, गैप करेंगे, गैप करने के बाद ये है डमी प्लग, डमी प्लग को यहाँ लगा देंगे, ये हो गया। अच्छा, इसमें तो यार लीकेज रुक जाएगा ना, पूरा रुक जाएगा। अच्छा, जो मेन पाइप के साथ कनेक्ट है उसमें भी लगेगा डमी प्लग, यहाँ पर भी डमी प्लग। अच्छा, उसको दिखा दे रहे हैं। हाँ, तो दोनों तरफ डमी प्लग लगा दीजिए और आप लोग का जो लीकेज हो रहा था 150 लीटर का आउटलेट टैंक से, ये बंद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए।